क्या आपको पता है आइसक्रीम में सिंथेटिक दूध और वनस्पति तेल की मिलावट की जाती है, और मसाले में ईंट का चूरा, पिसी हुई धूल और सिंथेटिक रंग की भी भेलसेल की जाती है। और ये तो कुछ भी नहीं, आज हम आपको ऐसी ऐसी मिलावटी चीजों के बारे में बताएंगे जिन्हें आप रोजाना खाने में इस्तेमाल करते हैं। नंबर एक, घी। घी में वनस्पति तेल, पशु वसा और स्टार्च जैसी चीजों की मिलावट की जाती है। असली घी की खुशबू और रंग मिलावटी घी से अलग होते हैं। घी की शुद्धता जांचने के लिए इसे हाथ में रगड़कर देखें। अगर ये चिकना और हल्का खुशबूदार हो जाए तो असली है। इसके अलावा घी को फ्रिज में रखकर भी देखा जा सकता है, असली घी ठंडे होने पर जम जाता है। नंबर दो, मसाले। मसालों में रंग, ईंट का चूरा, पाउडर में सिंथेटिक रंग और पिसी हुई धूल मिलाई जाती है। ये मिलावट न केवल मसाले के स्वाद को बदलता है बल्कि स्वास्थ्य पर भी बुरा असर डालती है। हल्दी, मिर्च, धनिया पाउडर जैसी चीजों में अक्सर मिलावट पाई जाती है। मसालों की खुशबू जांचने के लिए आप इन्हें शुद्ध पानी में डालकर देख सकते हैं। अगर ये नीचे बैठ जाए तो इसमें मिलावट हो सकती है। नंबर तीन, मिल्क। भारत में दूध में मिलावट एक आम समस्या है। इसमें पानी, डिटर्जेंट, सिंथेटिक दूध और स्टार्च जैसी चीजें मिलाई जाती है, जिससे दूध की गुणवत्ता और पोषण मूल्य कम हो जाते हैं। ये मिलावट बच्चों और बुजुर्गों के लिए विशेष रूप से हानिकारक हो सकती है। दूध की शुद्धता जांचने के लिए आप दूध को पानी में मिलाकर देखें। अगर ये पानी के साथ पूरी तरह से घुल मिल जाए तो इसमें मिलावट हो सकती है। नंबर चार, शहद। शहद में चीनी का सिरप, गुड़ का रस और कार्मेल जैसी चीजों को मिलावट की जाती है। ये मिलावट शहद की शुद्धता और औषधीय गुणों को कम करती है। असली शहद की पहचान के लिए शहद को पानी में डालकर देखें। अगर ये पूरी तरह घुल मिल जाए तो इसमें मिलावट हो सकती है। इसके अलावा शहद को आग में डालकर भी देखा जा सकता है, असली शहद आग में नहीं जलता। नंबर पाँच, चाय। चाय में मिलावट के रूप में रंग, सस्ते पत्ते और इस्तेमाल किए गए चाय पत्तों का उपयोग किया जाता है। मिलावटी चाय पीने से स्वास्थ्य संबंधित समस्या हो सकती है। असली चाय पत्तियों का रंग और खुशबू मिलावटी चाय से अलग होता है। चाय पत्तियों की शुद्धता जांचने के लिए इसे पानी में डालकर देखें। अगर पानी का रंग तुरंत बदल जाए तो मिलावट हो सकती है। नंबर छः, मिठाइयाँ। मिठाई में सिंथेटिक दूध, रंग और सस्ते तेल की मिलावट की जाती है। मिलावटी मिठाई का स्वाद और स्ट्रक्चर असली मिठाई से अलग होता है। मिठाई की शुद्धता जांचने के लिए इसे हाथ में रगड़कर देखें। अगर ये चिकनी और खुशबूदार हो तो असली, और इसके अलावा मिठाई को काट कर भी उसकी शुद्धता देखी जा सकती है। असली मिठाई का स्ट्रक्चर मिलावटी मिठाई से अलग होता है। नंबर सात, फल और सब्जियाँ। फल और सब्जियाँ में मिलावट के रूप में हानिकारक रसायनों का उपयोग किया जाता है। इन्हें जल्दी पकाने और ताजगी बनाए रखने के लिए कार्बोडाइट वैक्स का और रंग का उपयोग किया जाता है। ये रसायन स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक हो सकता है। फल और सब्जियों को इस्तेमाल से पहले अच्छी तरह से धो लेना चाहिए। इसके अलावा छिलका निकालकर खाना भी सुरक्षित तरीका है। नंबर आठ, आइसक्रीम। आइसक्रीम में मिलावट के रूप में सिंथेटिक दूध, वनस्पति तेल और आर्टिफिशियल फ्लेवर का उपयोग किया जाता है। मिलावटी आइसक्रीम का स्वाद और स्ट्रक्चर असली आइसक्रीम से अलग होता है। आइसक्रीम की शुद्धता जांचने के लिए इसे पिघला कर देखें। अगर इसमें पानी और तेल अलग हो जाए तो ये मिलावटी हो सकती है। इसके अलावा आइसक्रीम को खाने के बाद मुंह में छोड़े गए आफ्टर टेस्ट से भी इसकी शुद्धता का पता लगाया जा सकता है। नंबर नौ, एडिबल ऑयल। खाने के तेल में मिलावट के रूप में सस्ते तेल, सिंथेटिक तेल और रंगों का उपयोग किया जाता है। ये मिलावट तेल की गुणवत्ता और पोषण मूल्य को कम करती है। खाने के तेल की शुद्धता जांचने के लिए इसे ठंडे स्थान पर रखें। अगर ये जम जाए तो असली है। इसके अलावा तेल को गर्म करके उसकी गंध को भी देखा जा सकता है। असली तेल की गंध मिलावटी तेल से बिल्कुल अलग होती है। नंबर 10, कॉफी। कॉफी में मिलावट के रूप में चिकू पाउडर, पिसी हुई दाल और कारमेल का उपयोग किया जाता है। मिलावटी कॉफी का स्वाद और खुशबू असली कॉफी से अलग होती है। कॉफी पाउडर को पानी में डालकर देखें। अगर ये पूरी तरह से घुल जाए तो इसमें मिलावट हो सकती है। इसके अलावा कॉफी को सूंघकर भी उसकी शुद्धता जांची जा सकती है। असली कॉफी की खुशबू तीखी और मिलावटी कॉफी की खुशबू मध्यम होती है। तो आज के लिए बस इतना ही, और आपको भी ऐसी कई मिलावटी चीज़ों के बारे में पता है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना।